हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एबी रॉक्स टीम। यहाँ पर मैच हो रहा है लॉस एंजलिस एफसी वर्सेस एफसी जॉरस के बीच 8 बजे सुबह। एंड बात करें, मेरा टेलीग्राम चैनल लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और गाइस, हम इस वीडियो के अंदर किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है। सो बढ़ते हैं आगे। बात करें अगर हम इस मैच की, तो मैं आपको एक बात बोलूँ, लॉस एंजलिस एफसी जॉरस का आपस में मतलब दूर दूर तक तो कोई मेल है नहीं, लेकिन लॉस एंजलिस टीम का मैं फ़ैन रहा हूँ। मतलब मैं मेजर लीग सॉकर में इस टीम को काफ़ी बड़ी टीम मानता आया हूँ, तो इसलिए मेरा जो फेवर रहेगा वो रहेगा LAF को, जिसमें से सबसे पहला प्लेयर होगा सी वेला एंड सेकंड डी बोंगा। मेरे को सी वेला से उतनी एक्सपेक्टेशन नहीं है जितनी कि डेनिस से। डेनिस बोंगा एक ग्रेट प्लेयर है, हर मैच में गोल करके आ चुका है। ऐसा कोई मैच नहीं जिसमें इसने कभी गोल ना किया हो, किसी टीम को इसने मेजर लीग सॉकर में गोल ना लगाया हो ऐसी कोई टीम नहीं होगी गाइस, इतना अच्छा खेलता है। इसलिए मैं डेनिस बोंगा को बहुत एक बड़ा खिलाड़ी मानता हूँ। और ऑपोजिशन टीम की बात करें, उनका स्कोटो बैटर तो है, लेकिन ये बंदा बीच में वो बन सकता है आपका हार का कारण, सेबेस्टियन। क्योंकि अगर आप स्कोटो को लोगे और उस बीच में सेबेस्टियन कुछ करता है, तो आपको 4 मेंबर कॉन्टेस्ट में दिक्कत आएगी, 3 मेंबर में नहीं आएगी, पहली बता रहा हूँ। और अगर आप सोसेडो को लेते हो और स्कोटो नहीं लेते, तो आपको 2 मेंबर में भी दिक्कत आएगी। इसलिए अगर आप रिस्क के नज़रिए से देखते हो, अगर आप 4 मेंबर खेलते हो या आप, तो आपको लेना चाहिए स्कोटो। अगर आपको सुसेडो को लेना, तो आप 3 मेंबर ट्राई करो, थोड़ा सा बच के रहो, ठीक है। बाकी अभी मैं स्कोटो के साथ हूँ। एंड बात करें मिडफील्डिंग की, यहाँ पर है बोगस। बोगस ने बहुत तरक्की की है इन दिनों, बोगस ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बोगस स्ट्राइकिंग भी करता है। इनकी फॉर्मेशन स्ट्राइकिंग की है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे निचले स्ट्राइकर, ये मिडफील्डर, ये डिफेंडर और ये गोलकीपर, इनकी फॉर्मेशन है जिसमें बीच में बोगस कई बार खेलता है, इसलिए मैं इसको लूँगा। एंड आगे से बात करें तो टी टिलमैन की तो बात नहीं, लेकिन क्या है, मैं आपको एक बताऊं, पहले आप उर्जी को लो, जो कि JUA का एक प्लेयर है, मेन प्लेयर जो इन दिनों पेनल्टीज गोल पे भी ध्यान दे रहा है। एंड माय नेक्स्ट प्लेयर वो जो होगा वो आप रख सकते हैं इन्हीं की टीम का ऊपर से कोई प्लेयर लाइक हुटेडो, ठीक है। एंड बात रही ऑपोजिशन टीम की, जिसको हम फेवर कर रहे हैं, तो आप सिफ्यूंटिस ले सकते हो, बट आउट ऑफ फॉर्म है, और टी टिलमैन भी आउट ऑफ फॉर्म है, सो सी ब्यूक थोड़ा सा इन फॉर्म है, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। बाकी डिफेंडिंग से बात करें, डी प्लेशियस हॉलिंगहेड को लूँगा, फिर लूँगा गाइज नीचे से अगर कोई खेलता है तो मैं सोचूंगा, क्योंकि मेल्डोनेडो को खेलना ज़रूरी है, मेल्डोनेडो को, और ऊपर से लूँगा ए लॉन्ग को। ये चारों प्लेयर मेरे डन है। मैं मिडफील्डिंग में LAF का कोई चौथा मिडफील्डर नहीं लेना चाह रहा, क्योंकि मेरे 4 डिफेंडर बेस्ट हैं यार। मेरे को पता है ना, हॉलिंगहेड का गोल रेशियो तगड़ा रहा है, डी प्लेशियस का असिस्ट रेशियो अच्छा रहा है, ए लॉन्ग भी अच्छा खेलता है, और ये जो प्लेयर हो मेल्डोनेडो छोटे मैचेस के अंदर बहुत चलता है, इसलिए मैं मेल्डोनेडो को लूँगा। एंड आगे से अगर बात करें गोल कीपिंग की, यहाँ पर है आर पेस्कुअल। आर पेस्कुअल इज़ अ ग्रेट प्लेयर, सो पेस्कुअल को यहाँ पर मैं लेने वाला हूँ। एंड बात करें कैप्टन की, कैप्टन है मेरा यहाँ पर डेनिस बोंगा, वाइस कैप्टन है सी वेला। तो ये मेरी टीम है गाइज, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।